सोलन में सांसद वीरेंद्र कश्यप ने प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ज्यादातर प्रदेश में घाटे का बजट पेश करती आई है, लेकिन भाजपा ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो घाटे का नहीं है और जिसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोली जाएंगी, किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में किसानों का शोषण किया गया, यहां तक कि हिमाचली सेब की सेफ वैल्यू को भी उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन अब भाजपा सरकार किसानों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सोलन में पीपीपी मोड़ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी, जिससे सोलन के किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। मीडिया को जानकारी देते हुए सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि वह 2022 तक भारत के किसानों की आय दुगनी करने वाले हैं और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजट में काफी प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। वहीं फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से जहां देश की जनता को फायदा होगा, वहीं प्रदेश की 70 लाख जनता भी इस प्रभावी बजट का लाभ उठा पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं और वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने ये बजट जहां सर्व स्पर्शि रखा है वहीं पर खास करके किसानों के लिए और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के गरीबों के लिए जो है इस बजट में बहुत से प्रावधान जो रखे गए हैं। अब देश के 125 करोड़ लोगों को लाभकारी बजट है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी, यहाँ के 70 लाख लोग भी उसमें शामिल हैं। पर फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी ने हमको एम्स हमको दिया है, हमको जो है तीन तीन मेडिकल कॉलेज दिए हैं, IIM हमको दिया गया है और बहुत सी योजनाएं हमको दी है और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि रेलवेज में भी हमको बेनिफिट मिलेगा। पर एक जो इमीडिएट अभी बजट से पहले ही जिसकी घोषणा की गई थी उड़ान योजना के अंतर्गत, आज लगभग 8 ऐसे स्थान जो है चयनित किए गए हैं जहां पर एयरपोर्ट नहीं है, वहां पर हेली टैक्सी के माध्यम से और जो हमारा हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से जो है आवागमन की हम सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं। उससे हमारा टूरिज्म डेवलप होगा और उससे हिमाचल प्रदेश की आमदनी भी बढ़ेगी।